स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। आज की जो सीरीज़ है, आपको जैसे ध्यान है कि एसएससी सीजल 2018 के पेपर अपने मंडे और ट्यूसडे को डिस्कस करते हैं। मैंने चार पेपर आपको करवा दिए हैं। आज का जो डिस्कशन है अपना 6 जून शिफ्ट सेकंड का डिस्कशन है एसएससी सीजल 2018 का, क्योंकि ऑलरेडी 2019 और सीपीओ के अपनों ने पेपर डिस्कस कर लिए हैं 2019 वाले। अब अपने जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो जो चल रही है अभी कंटिन्यू, वो चल रही है 2018 की। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या है। ये कह रहा है एबीसी की क्षमता का अनुपात, अगर मैं इनके एफिशिएंसी का रेशो देखूं तो 5:3:8 है और ये दोनों मिलकर, ये सब मिलकर 30 दिन तक काम कर सकते हैं। शुरुआत के अंदर ए और बी ने 20 दिन काम किया तो शेष काम को सी कितने दिन में करेगा। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो आप ए बी सी 5:3:8 और 8:16, 16 × 30 टोटल काम कितना हो गया 480। ए और बी ने 20 दिन काम किया, ए कितना काम करता है 5, बी करता है 3, 5 और 3 8, 8 × 20 कितना हुआ 160। माइनस कर दो जो बच गया काम, वो कितना है 320। किससे करवाना है, सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी 8, अगर आप 8 से डिवाइड करोगे आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 40 दिन इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा पैटर्न इसका क्या है, जो इससे पहले वाली शिफ्ट में मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हो जो बच गए, जैसे तीनों मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं, ए और बी ने 20 दिन तक काम किया तो इसका मतलब बचा हुआ काम कितना है 10 दिन का। तो 5 और 3, ए और बी की क्षमता 8, 8 × 10 कितना हो गया 80। सी का पूरा काम 30 दिन का बचा हुआ है, 8 × 30 कितना हो गया आपका 240। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये कितना बना 320। ये किससे करवाना है अपने को, सी से करवाना है, 8 से डिवाइड कर देंगे आंसर कितना आ गया 40 दिन इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन। आपको वही स्टेप लिखने हैं जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट है। देखो आप क्वेश्चन को देखो, आप एक्सप्रेशन दे रखा है 3 और आपसे पूछा है कोस प्लस कोसेक थीटा का मान आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन में जहाँ तो थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करवा दो, या फिर अपने क्या करेंगे, देखो आप अपने क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर की जगह अपने लिख दे हैं कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, माइनस ये कितना है कोस स्क्वायर की वैल्यू है 3, यहाँ से अपने को थीटा निकालना है। देखो आप समझना, अब मैंने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया और ये इससे कट गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो गया आपका कोट स्क्वायर। और हमें पता है कि 1 अपॉन कोट क्या होता है 10, अगर यहाँ से वैल्यू देखें तो 10 स्क्वायर थीटा का रिजल्ट है 3, तो 10 थीटा यहाँ से कितना हो गया, 10 थीटा आपका हो गया √3, 10 थीटा का मान यहाँ से कितना हो गया √3, थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया 60 डिग्री। अब जो आपसे रिजल्ट पूछा है वो कोट प्लस कोसेक है, कोस नहीं है कोट है, कोट 60 का मान क्या होता है 10 30, 1/√3 प्लस कोसेक 60, साइन 60 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, दोनों को ऐड करेंगे 3/√3, √3 कट गया आपस में, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया √3 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है क्वेश्चन। बार जब आप बार बार करोगे हर टाइप का आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है एंगल बाई सेक्टर का क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाओं के मान 6, 7, 8 हैं, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़े कौन, जितनी बड़ी भुजा होगी उसके अपोजिट का एंगल सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ी भुजा ये है तो ये कौन ये हुआ। सबसे बड़े भुजा कौन का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को 2 भागों में विभाजित करता है, ये वाला, ये इसे 2 भागों में विभाजित करता है, 2 बराबर भाग नहीं होंगे, कोई भाग ये हो गया और ये कोई और भाग हो गया, ये वाला अलग और ये अलग, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर तब होगा जब ये दोनों सेम होंगे। तो आपको ये बताना है सबसे छोटे वाले का मान कितना है, कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब ये वाले भाग हैं, जैसे ये एंगल बाई सेक्टर, ये थीटा है और ये भी थीटा है, इसका मतलब ये रेशियो को, ये वाली इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये कितना है 6 और ये कितना है 7 रेशो, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। इसका मतलब 13 रेशो का मान यहाँ से कितना है 8, अपने को छोटे वाला निकालना है, 6 रेशो का मान निकालना है, 1 का मान कितना हुआ 8/13 और मान निकालना है अपने को 6 का, तो 6 से कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आपका आ गया 48/13।
आप देख लो 48/13 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या है, ये कह रहे दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी जिनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है इनकी 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। एक ट्रेन एक्स ए से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, 40 से बी की तरफ, और ये चल रही है 60 की स्पीड से इसकी तरफ। जब ये कहते हैं कि दोनों आपस में जब मिली वो पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस पर है, देखो आप अपोजिट केस है, जितना लिखना है उतना ही बस जो ज़रूरत है, 40 और 60 कितना हो गया 100, तो इसका मतलब टी अगर अपने को निकालना है 800 को 100 से डिवाइड कर दो, 8 घंटे बाद ये आपस में मिलेंगे, इसका मतलब 8 घंटे ये इधर से चली और ये भी 8 घंटे चली, उन 8 घंटे में ए से कितनी दूरी पे है, मान लो ये वाला पॉइंट अपने को निकालना है, तो इस ए से दूरी निकालनी है तो ए वाले को 8 घंटे चलाओ आप, 40 × 8 आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से, 320 किलोमीटर इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अगर आप बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 60 × 8 = 480, अगर 800 में से 480 कम कर देंगे तो भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 320 किलोमीटर, ऑप्शन कर देंगे इसके अंदर राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो नॉर्मल सी बात है अलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया आपको तो आता ही होगा आपको क्वेश्चन, फिर भी देखो आप, 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0। आप 2x² का एक्स स्क्वायर ले लो, आप एक्स स्क्वायर, अब x वाली टर्म्स देखो, 6 + 6x + 9, तो ये नंबर हो गया आपका x + 3 का होल स्क्वायर। अब आपने एक्स स्क्वायर ले लिया था, एक एक्स स्क्वायर बच गया, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, ये नंबर हो गया x - y² = 0। ये ज़ीरो कब होगा, जब ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, तो यहाँ से ये पता लग गया x और y दोनों बराबर हैं, और ये पता लग गया ये दोनों बराबर तो हैं लेकिन ये किसके बराबर है, माइनस 3 के। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा आपसे, 4x³ माइनस 3 का क्यूब माइनस के 27 माइनस y³ माइनस के 27 और ये कितना हो गया प्लस के 27 और यहाँ कितना है प्लस के x² y² 9 × 9 कितना हो गया 81। माइनस 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 108, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस के 108, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 0 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ज्यामिति का क्वेश्चन है, ज्यामिति के क्वेश्चन में मोस्टली आपका आंसर है वो डायग्राम के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते रहो आप। ट्राइंगल पी क्यू आर के शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं, एक सर्किल बनाओ आप, पी क्यू आर, ये अपना बना दिया पी क्यू आर, ये पॉइंट हो गया पी, ये क्यू और ये आर। अब ये कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, एस आर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, एस आर, ये एस आर हो गया, ये टेंजेंट है, और इसके बाद क्यू आर, क्यू आर जो है वो ओ आर एस को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, ओ आर एस इसको दो बराबर भाग में डिवाइड कौन कर रहा है, क्यू आर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा और ये थीटा दोनों हुए सेम। अब आपसे क्या पूछा है, आर पी क्यू, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, आर पी क्यू ये वाला एंगल। अब आप देखो सोचो समझो, आप देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको मिलाओ आप, पहले जब आपने इसको मिलाया ये दोनों साइड्स हैं वो आपस में हुई सेम क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। मैंने बोला ना आपको 90% क्वेश्चन डायग्राम में सॉल्व हो जाते हैं, पहला तो ये थीटा हो गया, दूसरा देखो आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर टेंजेंट के साथ ये कॉर्ड जो एंगल बनाएगी दूसरे अल्टरनेट सेगमेंट के साथ परिधि पे जो बनाएगी वो सेम होगा, अगर ये थीटा है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा थीटा, ये पॉइंट यूज हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि अगर सेम आर्क लें ये वाला क्यू आर, समान चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है ये वाला वो परिधि का बनता है डबल, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 2 थीटा। मैंने दो थ्योरम इसमें यूज़ किए हैं, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये जीवा है, जीवा टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगी वो अल्टरनेट सेगमेंट के साथ वृत्त की परिधि पे भी वही बनाएगी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतरखंड पर में। दूसरा, एक समान चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है वो परिधि का होता है डबल, इसका मतलब आप इस ट्राइंगल को ऐड करो, थीटा थीटा 2 थीटा 2 थीटा कितना हो गया 4 थीटा का मान कितना हुआ 180, थीटा का मान यहाँ से कितना हुआ 45 डिग्री, और यही थीटा आपसे पूछा है आर पी क्यू, आर पी क्यू का यहाँ फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ज्यामिति से रिलेटेड है, ज्यामिति के क्वेश्चन डायग्राम में सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ आपको थ्योरम आपको कवर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से
क्लियर होनी चाहिए। ये करें एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओ, सर्किल बनाओ पहले आप, ये सेंटर क्या है ओ। अब ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। अब सी छोटे चाप ए बी पर है, देखो आप अगर आप यहाँ लोगे ये माइनर आर्क होगा, यहाँ अपने कोई नाम दे रख देते हैं इसका ए और बी। सी इस पर स्थित है तो इसका मतलब सी यहाँ होगा। ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है, इसको मिला दो आप, इन सबको मिला दो पॉइंट्स को, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब ये करा है कि आपको ए ओ बी बताना है ये वाला पॉइंट। देखो अब क्या है कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ए बी को आप यहाँ मिलाओ, देखो आप कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपने ये मिलाया, ये पॉइंट हो गया आपका पी, मान लो ये एंगल है आपका थीटा, पहला जो अभी आपको यूज़ किया था अभी जो पॉइंट अपनों ने, समान चाप ए बी के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो परिधि का डबल होगा तो ये हो गया टू थीटा। क्लियर है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अगर ये टू थीटा है तो ये हो गया टू थीटा, दूसरी थ्योरम। तीसरी थ्योरम हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा ये वाला चक्रीय चतुर्भुज, कौन कौन सा ए सी बी पी। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का टोटल होता है 180, टू थीटा और टू थीटा कितना हुआ 3 थीटा का मान 180 है, यहाँ से थीटा का मान कितना आया 60। आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए ओ बी, ए ओ बी मतलब टू थीटा, तो टू थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया 120 डिग्री, इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। दोबारा से समझ लो मैंने कौन कौन से पॉइंट यूज़ किए हैं, समान चाप पर केंद्र पे बनने वाला कौन परिधि का क्या होगा डबल जो आपने कंस्ट्रक्शन किया, पहला पॉइंट समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होंगे, दूसरा पॉइंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तीनों की हेल्प से क्वेश्चन दो लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4 कोस थीटा, इसका मतलब आप कोस को इधर शिफ्ट कर दो, साइन बटा कोस कितना होगा 10, 10 थीटा का मान 4, साइन इंटू कोस आपसे पूछा है तो 4 जो है हमें पता है लाल बटा कक्का में ये जो 4 होता है वो लंब बटा आधार है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है बेस। अगर अपने हाइपोटेनिस देखें या कर्ण देखें तो 4 का स्क्वायर 16 और एक कितना हुआ 17 और इसका अंडर रूट रूट 17। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, साइन का मान यहाँ से कितना आ गया 4 बटा अंडर रूट 17, कोस का मान कितना हुआ 1 बटा अंडर रूट 17, दोनों को मल्टीप्लाई किया फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 4/17, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ज्यामिति से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये क्या हो गया जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर ए बी सी और डी, जिसके विकर्ण ए डी, जिसके विकर्ण ए बी सी डी, ए सी और डी सी, एक सेकंड इंग्लिश में देखो आप, ए डी और ये इसमें गलत लिखा हुआ है, देखो इसके विकर्ण क्या है ए बी डी सी है, समांतर चतुर्भुज देखो आप डी सी है, तो ये क्या लिख देंगे डी यहाँ और सी यहाँ, ए बी डी सी ऑर्डर चेंज किया हुआ है। जिसके विकर्ण ए डी और बी सी एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, एक दूसरे को बिंदु ओ पर मिलते हैं, ए ई और डी एफ बी सी पर लंबवत है, ए ई ये ए ई हो गया और डी एफ ये हो गया डी एफ लंबवत है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला देखो आप, फर्स्ट क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्गोरेंट है डी सी बी के, ध्यान से समझना आप, ए बी सी ये सर्वांग सम का साइन होता है कॉन्गोरेंसी का, ये क्या है डी सी बी, देखो ए बी सी और डी सी बी, पहली बात अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखें तो अपने को पता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं इसे दो कॉन्गोरेंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करते हैं, दो सर्वांगसम के अंदर, तो ए बी सी और डी सी बी दोनों राइट हैं, पहले वाला आपका सही है, ये आपको पॉइंट कवर होना चाहिए। उसने गलत की बात की है। सेकंड वाले की अगर बात करें तो सेकंड क्या है आपका, सेकंड है ए ओ ई, ये कॉन्गोरेंट है किसके आपको बताना है डी सी बी के, देखो ए ओ ई, ए ओ ई और डी सी बी, देखो आप एक सेकंड, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, ए ओ ई डी ओ एफ है ये, ए ओ ई और डी ओ एफ, यहाँ क्या है डी ओ एफ, डी ओ एफ देखो क्या है, इसमें चेंज कर लेना आप, डी ओ एफ है इसमें। अब आ देखो ए ओ ई और डी ओ एफ में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का सेम है, 90 डिग्री वाला एंगल सेम है,
और ये बाइसेक्ट भी होते हैं, ये डायगोनल, इसका मतलब ये एंगल एंगल साइड से ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सर्वांग समता का मतलब होता है दोनों सेम शेप एंड सेम साइज, जैसे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख दो तो नीचे वाला हाथ दिखाई नहीं देना चाहिए, सर्वांग समता, इसका मतलब ये भी राइट है। तीसरा क्या है इसके अंदर, तीसरा है पॉइंट इसके अंदर, ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है इसके अंदर, ये कौन सा डी एफ सी, अब देखो ए ई बी और ये क्या है डी एफ और सी, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये दोनों एंगल आपस में सेम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये आपस में सेम भी है तो भी एंगल एंगल साइड से, अपोजिट एंगल आपके अपोजिट साइड आपकी सेम भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए, तो एंगल एंगल साइड से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये भी सही है। अगर मैं लास्ट वाले पॉइंट की बात करूं तो लास्ट वाला पॉइंट क्या अपना एडीसी, ये तो अब आप ज्यामिति पढ़ोगे तब ये काफ़ी डिटेल में समझा जाएगा, अभी शायद हो सकता है आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आए क्योंकि ये कंप्लीट कई पॉइंट्स को मिला के बनाया गया है। एडीसी की अगर बात करें, एडीसी और एबीडी, अगर एबीडी की बात करें और एडीसी, ये भी सही है, ये फर्स्ट वाले पॉइंट की तरह हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि चारों सही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन में मान लो यहाँ ए बी डी की जगह ए बी सी होता, अगर मान लो यहाँ, वैसे तो कोई एग्ज़ाम में यही था, अगर अपने इसकी जगह ए बी सी कर देते तो मान लो ये आंसर अपना हो जाता। वैसे तो एग्ज़ाम में क्या इस पॉइंट से था जिसमें चारों ही सही है, अगर अपने ए बी सी कर देंगे तो ये ए बी सी आपके ए डी सी के बराबर नहीं होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो अपने चारों सही थे तो इसको अपने थोड़ा सा गलत कर लेते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी चारों ही राइट थे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन आपको बताया एवरेज का क्वेश्चन, और ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, अगर आपको ध्यान हो इससे पहले वाली शिफ्ट में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था तो अब मैं आपको करवा देता हूँ। बात एक ही है, कभी कभी अपने कर लेंगे, अगर रिपीट है तो कभी कभार आप खुद कर लेना। ये कह रहे 12 संख्याओं का औसत है 46। पहली चार संख्याओं का औसत 43, चार का 43 है तो 46 आना चाहिए था, कितना कम है 3, तो ये रिजल्ट कितना शो कर रहा है -12। अंतिम पांच या आगे की पांच हो सकता था, पहली चार अंतिम पांच का औसत कितना है 49.4, इससे कितना ज़्यादा है 3.4, तो ये कितना हुआ 15 और 2, ये हो गया +17, तो ये रिजल्ट कितना हुआ +5। अब आपने 9 संख्या कवर कर ली, वो कंटिन्यू भी 5 हो सकती थी, लास्ट वाली भी हो सकती थी, कैसे भी हो सकती वो। अब नंबर कौन कौन से बचे, 5वां 6ठा और 7वां नंबर, 5th नंबर 6th नंबर और 7th नंबर। ये कह रहा है 5वीं और 6ठी संख्या 7वीं संख्या से 4 और 6 ज़्यादा है, इसको x मान लो, ये 4 ज़्यादा है तो x+4, ये 6 ज़्यादा है तो x+6। आपको 5वीं और 7वीं संख्या का औसत बताना है ये वाला। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना आप, इन सबको ऐड करो, x कितना हुआ 3x, ये हो गया आपका 10। अब अपने को पता है कि इन सब को 46 तो मिले, 46 × 3 करें 6 × 3 = 18, 12 और 1 = 13, 138, और इनका नेट रिजल्ट 0 होना चाहिए, तो +5 है तो यहाँ कितना हुआ -5, ये रिजल्ट हो गया 133। 10 मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ये कितना हो गया 123। अगर मैं 3x का x लिखूँ, ये कितना हो गया आपका 41। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 5वीं और 7वीं संख्या का औसत, 5वीं और 7वीं संख्या का औसत दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ गया 2x/2x, और ये कितना हो गया 2, x का मान यहाँ से कितना 41, फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया 43। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको ये देखना है कि जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, इस क्वेश्चन को या फिर कोई बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन हो उसको हमेशा लास्ट में करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में करने से ये आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को अगर टाइम मिला तो करना है, नहीं तो छोड़ ही देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने से नहीं, क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन 21, 22, 23 क्वेश्चन करने से भी सिलेक्शन हो जाते हैं, पहले अपने को वो क्वेश्चन देखने जिनमें टाइम कम लगेगा, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसको करना लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसका आंसर बता देना। क्वेश्चन नंबर 12 में बता रहा हूँ आपको क्या है, ये कह रहा है कि x+y का मान 12 है, इनका मल्टीप्लाई 27 है, xy से बड़ा है, x³ - y³, वैल्यू पुट करके कर लो आप, 9 और 3 जोड़ें तो 12 मल्टीप्लाई करें तो 27, तो 9³ = 729, 3³ = 27, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 702, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन सी आई का देखो, आपको ये ध्यान है कि टी सी एस में सबसे अच्छे क्वेश्चन सी आई के पूछे गए थे, अलग अलग उन्होंने नंबर पूछे थे। जैसे हम 2 से 5/7 वर्ष दे दिए, अब 2 से 5/7 वर्ष है, 10,000 की राशि और 14% है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10,000 का देखें तो पहले साल का भी 14%, दूसरे साल का भी 14%, क्योंकि 2 साल का तो यही रहेगा 10,000 पे अगर मैं बात करूँ, और 5/7 अगर इसका निकालें तो ये हो गया 10% तीसरे साल का, 5 × 5/7 करने पर। इनको अगर कंबाइन करेंगे तो लगभग मैं आपको सी आई बताना क्या है। तो पहले साल का देखिए, अगर 10-14% तो पहले साल का 14% कितना हुआ, 1400। दूसरे साल का 14% तो होगा ही होगा, इस 14 का फिर 14% 196। तीसरा साल 10% का चल रहा है तो इसका 10% 10 कम कर दो 1000। इन दोनों, इन सब पे 10% लगेगा, स्ट्रक्चर में सॉल्व कर रहा हूँ। 2800 का 10% 280, इसका 10% कितना हुआ 19.6। आपको इनको ऐड करो, देखो ये हुआ 2800 3800, इसको 20 मान लो आप, लगभग में आंसर दे रहे हैं, ये हो गया 300। 3800 और 300 4100 और इसको 200 मान लो आप 4300 के पास आपका आंसर होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन पढ़ो आप, आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4296 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2018 में बहुत ज़्यादा बार आया है, आगे आने वाली शिफ्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये कह रहा है कि अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 14% के लॉस पर और दूसरे को 14% के प्रॉफिट पर बेचा, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, उनके मूल्यों में अंतर बताना क्या है। देखो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे, पहले आपको ये समझा देता हूँ क्योंकि आगे वाली शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्ट करना है। देखो हमने पहले का कॉस्ट प्राइस माना ए, अगर आप 14% लॉस पे दोगे तो ये होगा 86, बी 14% प्रॉफिट पर 114, तो ये नंबर हो गया आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ से आपने ए का मान लिखा 114 और बी का मान लिखा 86। अब इस नंबर को अपने को ऐसे लिखना है, ये बार बार यूज़ होगा क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रख लेना आप। आगे आने वाले पेपर में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये नहीं समझाऊंगा आपको। ये क्या लिखा है, ए अपॉन बी। अब पहला जो नंबर है वो नीचे लिखा जाएगा, 14% लॉस 86, देखो 86 ए आ गया, 14% प्रॉफिट 114। सॉल्व करो आप इसे, अगर 2 से कैंसिल करें तो 57, ये कितना हुआ 43। ये ए और बी कॉस्ट प्राइस है, कंबाइंड अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस है, अगर इन दोनों का टोटल करें तो कितना हुआ 100। लेकिन ये 100 किसके बराबर है, 624 के बराबर। आपसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो मुझे आंसर पूछा गया 14:1 का। अब यहाँ से एक रेशो का अगर अपने मान निकालें तो 6.24 है, तो 6.24 को अगर अपने 14 से मल्टीप्लाई करें, देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, 84.24 को आप 0.25 मान लो, 25%, 14 का 25% चौथा हिस्सा, ये कितना हुआ 3 point something, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो 87 point something आएगा। अब 87 point something देखिए आप, सी और डी आपका रॉन्ग है, आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपका डीआई का है, डीआई में आपका एडिशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए, मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट के अंदर भी समझाया, जो कैलकुलेशन का पार्ट थर्ड है, आप आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में वो समझ सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, बस उस पॉइंट को आपको यूज़ करना और इसका आंसर बताना है। ये सेकेंड क्वेश्चन है जो आपके लिए असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप क्या है, ये कह रहा है धातु के एक पाइप की लंबाई कितनी है, 7.56 मीटर, इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, धातु के 1 cm³ का वजन दे रखा है, आपको पाइप का वजन बताना क्या है। देखो ये क्या है, पाइप का वजन अपने को पता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होगा, ये वजन की अगर बात करें, क्योंकि बीच वाला भाग यूज़ होगा। अब अपने को काम का क्या लिखना है, पाई का मान कितना हुआ, यहाँ से 22/7, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, 2.5 और 1.5 को अगर अपने ऐड करेंगे तो 4, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 2.5 और 1.5 का 1। एच जो दे रखा है वो दे रखा है 7.56 मीटर, सेंटीमीटर में लिखना है तो 756, ये हो गया वॉल्यूम। अगर वेट की बात करें तो 1 cm³ का वजन है 7.5 ग्राम, 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आओ देखो, दिमाग लगाओ, देखो इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 108, इस 108 में डिजिट सम 9 हो रहा है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल। अब पहला ऑप्शन देखो, इसके
इसके आंसर में डिजिट सम करो आप 72.82। अगर मैं 72.82 का अगर मैं टोटल करूं, 8 ये 9 हो गया लेकिन ये नहीं है। सेकंड की बात करूं 70.14, ये 8 4 12 ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखें 71.28, ये आपका 9 और ये 9, यस ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर अपने चौथा देखें 69.68, ये 9 है 12 और 8 20। आप इतनी सी बात पे बता सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ए और बी के रिजल्ट दे रखे हैं, ए इक्वल्स टू बी लिखा है, सी आपको आपसे पूछा गया है। सबसे बेस्ट है आप वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, और जब क्वेश्चन साइन और कोस में हो सबसे बेस्ट होता है कि आप जीरो पुट कर दो। आप एक्स का मान रख देंगे 0 डिग्री। यहाँ से ए का मान कितना आया देखो ऊपर, 2 sin 0, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0। बी का रिजल्ट अगर देखें तो बी बराबर सी, नीचे कितना होगा 1 + 0 मतलब सी, और क्वेश्चन में दे रखा है ए जो है वो बी के बराबर है। ए अगर बी के बराबर है और ए क्या है 0, तो इसका मतलब बी भी क्या हुआ 0। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर सी की वैल्यू बतानी और बी सी है, इसका मतलब आपको सी का रिजल्ट क्वेश्चन में बताना है, तो ये रिजल्ट आपका 0 आना चाहिए। देखो कैसे, ए 0 बी 0 बी 0 सी 0, सी का पूछा है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। अब ऐसा ऑप्शन जिसमें एक्स बराबर 0 डिग्री रखने पर आपका आंसर क्या आना चाहिए 0, फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए आप 1 - 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो ये रिजल्ट 1 हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 1 + 0 - 1, क्योंकि कोस 0 1 होता है, ओवरऑल रिजल्ट कितना हुआ ये सही है। तीसरा अगर मैं ऑप्शन देखूं, तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो ये कितना हुआ 1 + 0 1, ये भी गलत। अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो 1 + 1 - 0, ये आपका 2 हुआ, ये भी आपका गलत है। यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो कौन सा है, सेकंड। अगर आप पूरा सॉल्व करने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा, बस स्मार्ट अप्रोच आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये कंफर्म आपको आता ही होगा। x³ + y³ + z³ आपसे पूछा है, आपको पता है कि x³ + y³ + z³ -3xyz -3xyz, देखो मैं वही लिख रहा हूँ जो काम का है। xyz हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कितना है 216, तो यहाँ कितना हो गया 216। ये रिजल्ट किसके बराबर है, x + y + z, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x² + y² + z² 133 -xy, yz और zx, ये क्वेश्चन में क्या है yz + zx लिखा हुआ है, ये कितना हो गया 114। अब अपना मेन टारगेट यहाँ क्या है, x + y + z का मान निकालना। अगर मैं x + y + z का मान देखूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो गया x² + y² + z² 133, ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ से जो मान आएगा वो यहाँ रखेंगे +2xy, yz, zx yz + zx है, तो 114 का डबल करो 228, इसको अगर अपने ऐड करें तो ये हो गया आपका 361। तो इसका मतलब यहाँ से xyz को अगर अपने टोटल करें तो रिजल्ट कितना आ गया 19। इसका मतलब इसका रिजल्ट यहाँ रख देंगे, ये कितना हो गया 19, और इसे सॉल्व करें तो ये भी रिजल्ट कितना आ गया 19, क्योंकि 19 और 14 कितने होते हैं 33। इसका मतलब यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आया वो अपने पास आया 19 और 19 कितना हो गया 361, और ये जो माइनस के 648 हैं वो कितने हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 1009, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर, ये इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI का क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। ये मैं क्यों दे रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको बहुत पहले करवा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं, बार बार करोगे क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कोचिंग के अंदर बहुत रेयर केस में पढ़ाया जाता है। अगर आप पेपर के साथ साथ ही करोगे इसके क्वेश्चन, SSC CGL के अंदर अगर अपने बात करें तो 4 क्वेश्चन, CPU में 9 क्वेश्चन और मेंस में 9 आते हैं। अदर कोई एग्ज़ाम दोगे फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, एक जैसे क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि यदि टाइप डी की कारों के उत्पादन से संबंधित सभी को पाई चार्ट से, देखो पाई चार्ट या सबका एडिशन या एवरेज, एक ही बार बार क्वेश्चन वही यूज़ हो रहे हैं। 2013 में कारों के उत्पादन को दिशाने वाला त्रिज्यखंड का केंद्रीय कौन बताना क्या है, डी का टोटल करो आप, आपको कैलकुलेशन में बताया था इधर वाला पोर्शन आपको जोड़ना है, 33, 35, 48, 45, 49 को कैसे जोड़ोगे, 33 का 3 पहले इधर वाले जोड़ो आप, दहाई अंक। अगर टेंस डिजिट की बात करें 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 180 अब आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब इधर यूनिट डिजिट जोड़ो आप,
नौ पाँच चौदह, चौदह और आठ कितना हुआ बाईस, बाईस और आठ कितना हुआ तीस, 180 और 30 कितना हो गया 210। ये 210 किसको शो कर रहा है, 360 डिग्री को। अब ये आपको पता है तीन से कट जाएगा तो यहाँ से कितना आ गया सात और ये कितना आ गया 12। अब ये कह रहा है 2013 का रिजल्ट बताना है आपको, ये कितना हुआ 35। अगर ये 35 है तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, पाँच से। अगर ये पाँच से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 60 डिग्री, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, ये फिर डीआई का क्वेश्चन है, डीआई के मैंने बोला ना चार क्वेश्चन आएंगे। ये कह रहे हैं 2014 में ई के कारों का, 2016 में सी के कारों का, 2014 का बी और 2013 का डी, इनका टोटल करो और इनका रेशो बनाओ। ये हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। 2014 का ई देखो आप 53, 2016 का सी 77, दोनों को जोड़ दो आप 130, 2014 का बी 56, 2013 का डी 35, दोनों को जोड़ो 91, 13 से कट गया, ये कितना आ गया 10 और ये कितना आ गया 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। ये कंसेप्ट मैंने परसेंटेज की वीडियो में बता दिया आपको, अभी सवा दो घंटे की जो वीडियो थी। क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकते हो आप, प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन है। 20% की कमी प्राइस में मतलब 80, यहाँ बात कर रहे हैं अपने कंजम्पशन की, और ओवरऑल 60% की वृद्धि कितना हुआ 160। अब 80 से 160 लेके आना है, डबल हो रहा है। अगर डबल कोई नंबर हो रहा है तो इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100% की वृद्धि हुई। आंसर आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आपको रेशो की जो आपको जो वीडियो दे रखी है उसमें बता रखा है, सारे कंसेप्ट समझा रखे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 रेशो में, मतलब आप एज वाला कंसेप्ट भी कवर कर सकते हैं। 9 वर्ष बाद ये रेशो कितना है 1921, ये 9 और 9 आ गया, ये प्रेजेंट का है। और आपसे पूछा है सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वैल्यू बतानी है। आप क्रॉस भी कर सकते हैं प्रोडक्ट, आप इनका अंतर सेम भी कर सकते हैं। यहाँ देखो अंतर कितना है 1, यहाँ कितना है 2, दोनों का अंतर सेम करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ये कितना हो गया 16, ये हो गया 18। 16 से 19 3 बड़ा, 18 से 21 3 बड़ा, 3 रेशो किसके बराबर है 9 के बराबर, 1 इकाई का मान हुआ 3। अगर 1 3 है तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 54 जो प्रेजेंट एज किसकी आई, बी की, लेकिन ये कह रहे हैं सी बी से 3 साल छोटा है, इसको 3 कम कर दो आप, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 51, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए आप क्या है, 9 अंक की संख्या 88 से डिवाइड है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 72, 7 की डिविजिबिलिटी रूल, 8 का, 9 का, 11 का, ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। कौन कौन सा नंबर है, 3, 2, x, 4, 1, 1, 5, y और 2, किससे डिवाइड है 88 से, तो आपको y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x - y का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले 8 चेक करेंगे, 8 × 11 आपको नंबर कौन सा बताना है, 4x - y, ये वाला रिजल्ट आपको बताना है। देखो आप 8 ये कहता है कि लास्ट के तीन नंबर, देखो आप ये वाले तीन, अगर ये नंबर आपका ऑड है तीसरा तो डिविजिबिलिटी रूल लगेगा इन दो में, अगर ये तीसरा नंबर आपका विषम है तो पहले 4 जुड़ेगा इसके अंदर, ये कितना आ गया 6। अब ऐसा 8 की वो संख्या जिसके लास्ट में 6 आए, ऐसे तो अगर देखे जाए तो यहाँ 16 भी होगा, 56 भी होगा, 96 भी होगा, लेकिन इसने 16, 56, 96 को फिल्टर कर दिया, इसने बोला वाई के न्यूनतम मान के लिए, इसका मतलब यहाँ नंबर आएगा आपका 16, इसका मतलब 16 लाने के लिए वाई का रिजल्ट यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1, 4 जुड़ने के बाद ऑड नंबर में होता है। अब आपने 8 को टेस्ट कर लिया, अगर अपने 11 की बात करें तो 11 में अल्टरनेट देखो आप, ये हो गया आपका 3 + x, x को बाद में जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 4, 4 और 5, 9 और 2, 11, तो ये नंबर हुआ 11 + x, और यहाँ अल्टरनेट देखें जो बच गया ये वाला नंबर, ये कितना है 6, 7 और 8। अब इन दोनों का अंतर जहाँ तो 0 होना चाहिए, जहाँ मैंने आपको बोला जब ये छोटा नंबर है, देखो 0 होने के लिए तो ये माइनस में होगा, माइनस में रिजल्ट होगा नहीं, तो इसमें 11 जोड़ दो आप, 8 और 11 19 लाने के लिए ये नंबर आपका जो है वो क्या होना चाहिए 8, तो इसका मतलब x का मान तो 8 है और y का मान कितना आया 1। अगर x का मान 8 और y का मान 1 है तो 32 में से 1 माइनस करेंगे, फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 31, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए आप क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक व्यापारी एक माल को 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, तो 100 का रेट कितना हो गया 140, मार्कअप प्राइस।
अब इसको जब बेचता है तो 70% तो इस रेट पर बेचता है, इसका 70% कितना हुआ, 14 × 7 कितना होगा, 98, जो बचा है 30%, जो 42 बचा है उसे इस रेट पे नहीं बेचता, ये इस पर 40% का देता है डिस्काउंट, इसका मतलब ये कितना हुआ 60%, 60% का मतलब ये कितना हुआ, 6 × 2 = 12, 24 और 1 = 25, 25.2। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास जो आंसर आया वो आया आपका 8 × 5 = 13, 9 × 2 = 11 और 1 = 12, 123.2। 100 रुपये की वस्तु को अगर आप 123.2 में बेचोगे आपको कितने का फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ 23 रुपये 2, ये आपका आ गया परसेंटेज में प्रॉफिट, ये फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप आज आपकी शिफ्ट जो है 6 जून शिफ्ट 2 आपका कंप्लीट है। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और एक बेस्ट एजुकेशन बच्चों तक जानी चाहिए। तो कल की वीडियो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 6 जून शिफ्ट 3 में, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।